लुधियाना के बीजेपी दफ्तर डुगरी स्थित दूसरी पार्टियों को अलविदा। आग दफ्तर जनरल सख्तर परमिंदर बरार और भाजपा जिला प्रधान रजनीश धीमान की अगुवाई में सेकंड परिवार भाजपा में हुए शामिल। जिला प्रधान रजनीश सामान और परमिंदर बरार ने उन्हें शामिल कर लिया और स्वागत। पार्टियां दे सारी अपनी टीम दे ना बड़ी एक बल मिलिया, एक ताकत मिली भारतीय जनता पार्टी नू। ये जिन्ने अज साथी शामिल होए है, ये शामिल होए है क्योंकि पंजाब दे विच अज विश्वास का मुद्दा है। अज मुद्दा बनिया पिया है कि लीडरशिप चैलेंज हो रही है। कल तुसी देखे एग्जिट पोल आए है पंजां सूबियां दे, पंजाब दा करोड़ां रुपया जिहड़े पंजाबियां दी खून पसीने की कमाई उत्थे इश्तिहारां ते लाया गया। इन्हां सूबियां च इत्थों जहाज लगाए गए, इत्थों हैलीकॉप्टर लैके जाए गए, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी गई है इत्थों। इत्थों जिन्ने पंजाब दे इन्हां दे वर्कर सी उह लैके गए, मंत्री MLA लैके गए, जिन्ने रिसोर्स दे सकदे सी, करोड़ां सौवां करोड़ रुपया इन्हां ने पंज सूबियां दे विच लाया। तो तुसीं हैरान होवोंगे, कल किसी भी एंकर ने किसी चैनल वाले ने इन्हां दा नाम तक नहीं लिया, इन्हां दा जिक्र तक नहीं किया कि आम आदमी पार्टी किसी सूबे दे विच चोण लड़ी भी है। कोई आम आदमी पार्टी का कैंडीडेट भी खड़ा सी। मैं थानू दावे नाल कह सकदा नतीजे 3 तरीक नूं आउणे हैं, जमानतां जब्त होणगियां, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नूं मिलेगी। पंजाबियों के खून पसीने का 125 करोड़ रुपया बर्बाद करता आम आदमी पार्टी ने। जे वह पैसा ना बर्बाद करते, अज जिहड़े मेरे टीचर धरनिया दे बैठे है, जिहड़े मेरे कोई किसान धरने लाई बैठे है, पंजाब च जगह जगह धरना लगे, उन्हां नूं पैसा देंदे, लोग धरना ना लाउंदे। अज तनखावां देण नूं पैसे है नहीं, तनखावां देंदे। बच्चों की वर्दी नूं पैसे है नहीं, वर्दी देंदे। माँ प्यो की दवाई नूं पैसे है नहीं, दवाई लई पैसे देंदे। आपां की लैणा सी उत्थे, जे जमानतां ही जब्त करवाउणियां सी, मूंह ही काला करवाउणा सी, की लैणा सी इन्हां सूबियां च इलैक्शन लड़ के। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनू हरे पैन की ताकत दे दौ, मैं पंजाब धरना मुक्त कर दूंगा। अज उ भैन जिन्हों केजरीवाल साहब तो भगवंत मान साहब टेंकी तो ला के ले आए थे, ला के जूस का गिलास पाया से, अज उस टेंकी फिर चढ़ी। अज कोई मोड़ यह जहाँ नहीं, कोई महला यह जहाँ नहीं जिथे धरना नहीं लगा। इन्ह की कहनी तो कथनी च बड़ा फर्क है। देखो भगवंत मान साहब ने कहा जिदन सरकार नहीं सी बनी कि चिट्टा गली गली है, चोर कुत्ती रली है। अज यह सिद्ध हो गया, खेमकरन तो इन्होंने MLA का भतीजा, MLA का सका भतीजा ड्रोन जरिए हीरोइन मंगा, पाकिस्तानी ड्रोन वो तो हीरोइन मंगा। इन्हों MLA हीरोइन विकाउंदे, नशा विकाउंदे, पंजाब दे विच गली गली बोर्ड लगे है, नशा इत्थे विकदा, नशा उत्थे विकदा। कदे धी भैण नशा नहीं सी करदी, कदे पंजाब दे विच जिहड़ा बदलाव आया एक परिवार दे दो दो बच्चे नहीं सी मरदे, कदे एक पिंड दे तरन तारण 25 बच्चे मरे, जगाराम तीरा तलवंडी साहब एक पिंड दे 13 बच्चे मरे, कदे ये नहीं सी होया। अज की हालात है कि पंजाब की सरकार ते नशा तस्कर रले हुए, देखो बोर्ड ला के अज लोग जान चुके है, इन्हों पछाण चुके है। कदे नहीं सी होया कि सरकार दे 3.5 साल रेंदे होण, उन्हां दे मंत्री उन्हां दे MLA पिंडां च जाण, अज उन्हां दी दुड़की लगती है। अज उन्हां नूं भजाया जांदा पिंडां चों, बोर्ड लाया काम नहीं चलता, लोगों के दिलों से राज करो, काम करो, बोर्ड लाने की लोड़ नहीं। लोग गया दा सत्कार भी करनगे, प्यार भी देने, चाह भी पिओगे, तो नहीं डांगा ही पैनिया जिवें पैंदी। किसानों के गन्ने का रेट मैं पूरे हिंदुस्तान तो सब तो ज़्यादा पंजाब चुन बधाता है, 5 रुपये हरियाणा तो भी ज़्यादा करता। मान साहब की कहनी तो ना जाया करो, मान साहब तो जर्मन गए सी, आंदे सी BMW का प्लांट आ रहा। मान साहब तो कहिंदे सी कि असी गोल्डी ब्राड गैंगस्टर फड़ लिया। मान साहब तो कहिंदे आ कि आ चिट्ठियां देतियां बच्चियां नूं नौकरी मिल गई। मान साहब नूं कहना मैं, मान साहब कदे पंजाब दा मुख्यमंत्री झूठ नहीं सी बोलदा, बड़ी सत्कार वाली कुर्सी है, बड़ी अदब वाली कुर्सी है, बड़ी एक जिम्मेवारी पंजाब दे लोकां ने दित्ती है, झूठ बोलना बंद करो। किसानां नूं हुणे मुआवजे की गल की सी, तुसीं किसानी की गल करदे हो ना, इन्हां मुआवजे की गल की सी जदों जंदर बाई इलैक्शन सी, कि थानू किसी नू परवाह करन दी लोड़ नहीं, गरदौरियां भी नहीं होणगियां, सीधे पैसे थोड़े खात्यां च आउणगे, 20-20 हज़ार रुपया दिने है। अज हालात देखो जाके किसानां दे,
दुख आता जो तुम पिंड जाते नहीं, असं लोगों के पिंड जाने दुख आता जाके जो उ अज भी कई कई इलाकों के रेता भरी हुई है। झोना तो छोड़ो कणक नहीं लगी उन्होंने लोगों को, किसी को मुआवजा नहीं दिता, किसी को MSP का मुआवजा नहीं दिता, किसी को लंपी स्किन डिजीज हुई वह मुआवजा नहीं दिता, किसी को गुलाबी सुंडी का मुआवजा नहीं दिता, गन्ने का पाता बड़ी देन मान सारे ये लोग सर जेड़े आए हैं कि अपने जेड़े लोग स्पीकर सिगे जेड़े अपने इत्थे दे ओह ने लुधियाना पंजाब दे ओह गवर्नर साहब ने जो फैसले दिते सी ओह ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने करता है कि ओह जो बिल पास किए जा। देखो देश संविधान नाल चलता, गवर्नर साहब एक संविधानिक कुर्सी पर बैठे है, पर जे तुसी उन्होंने लड़ाई रोज़ ही लई रखोगे कि तुसी दिखाउणा कि साड़ी गवर्नर नहीं चलन दिंदा, साड़ी सेंटर नहीं चलन दिंदा, लोगों नूं तुसी यही एक पिक्चर प्रजेंट करी चलोगे, लोग हुण पंजाब दे समझ गए मान साहब हुण तुसी लड़ाइया ना लड़ो, हुण तुसी लोगों नूं चुटकले ना सुनाओ, हुण जज्बातां नाल ना खेडो, अज कलम उन्हां कोले है, अज कलम उन्हां कोले है, फैसले लो। गवर्नर साहब एक संविधानिक पोस्ट ते है, कोई वह इहो जिहा काम नहीं करदे। जदों ये गैर संविधानिक सैशन बुलाते गैर संविधानिक गल करते हैं तो गवर्नर फिर कॉन्स्टिट्यूशन का राखा है। बुरा हाल है जी, तराई तराई मची पई है। अज कोई घरों आप उठ के जाने तो फिक्र पिया हुंदा घरदिआं नूं कि साडा बच्चा साडे माँ प्यो साडा कोई रिश्तेदार घरों गया सही सलामत मुड़ भी आऊगा। अगे सुनते हुंदे सी कितें UP बिहार च आंदे हुंदे सी कि भाई टाइम ना मुड़े आयो जे लुट खसुट हो जूगी, ये हालात है तुसी घरों नहीं निकल सकते। सर समस्या विश्वास की है, अज पंजाब दे विच सिर्फ और सिर्फ विश्वास की समस्या है। पंजाब फाइनैंशियल एमरजेंसी के क्राइसिस घिरिया होया, लोग समझ गए है, लोग विश्वास करते हैं मोदी साहब की नीतियां ते उन्हां दी कहनी ते कथनी च फर्क नहीं। उन्हां जो 9 साल काम किए उन्हूं देख के जो बाकी सूबियां दे विच जिवें तरक्की हुई है, लोग अज पंजाब की तरक्की चाहते, पंजाब की खुशहाली चलाउंदे, उसनूं देख के अज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वड्डा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार वड्डा हो रहा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखो परिवार बढ़ रहे और लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी दी नीतियां तो देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिया किते हुए कम्मा तो खुश होकर विकल्प के रूप दे विच पंजाब दे विच एक मंत्र भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और इस करके रवायती पार्टियां जिहड़ियां रूलिंग च ने पंजाब च उन्होंने लोग भी छड़ छड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी जल्दी असी बराड़ साहब की रहनुमाई च होर एक बड़ा बड़ा दल कौंसलर का साढ़े च शामिल होगा, वो भी थोड़ी तुसी सारे वो रूबरू होवोंगे क्योंकि ये एक बदलाव की निशानी आ। लगातार सरकार भज रही है कारपोरेशन के चुनावों तो और उन्होंने यही डर सता रहा कि जे कल असी लड़ांगे तो लोग तो साडा खेड़ा छड के जा रहे ने, तो पब्लिक साढ़े तो दूर हो रही आ तो चुनावों नूं लेट कर रहे ने। एक साल पंजाब की जनता ने लुधियाने की जनता ने यह संताप भुगतिया जिहड़ा ये चुनाव देर होने ना करके, सो इस करके अज जिहड़े शामिल होए ने मैं सारे नूं जिया आखदा। सर किन्ने लोग ने जी शामिल होए? लगभग मेन जिहड़े प्रमुख लोग ने वह 15 दे लगभग ने और उन्हां दे नाल जिहड़े उन्हां दे साथी ने वह 100-150 दे लगभग कार्यकर्ता अज इत्थे शामिल। कुछ कांग्रेस चो आए ने, वो तुहानू सारी डिटेल आ जाएगी प्रेस नोट च, कुछ आम आदमी पार्टी चो आए ने, कुछ समाजिक संस्थावां दे नहीं लीडर सीगे जी, अहुदेदार सीगे, कोई जिले का जनरल सैकटरी सी, कोई ब्लॉक का प्रधान आ आम आदमी पार्टी का, कोई वार्ड का प्रधान आ। अज जिहड़ियां नीतियां चल रही ने यही बहुत ने इन्हां लोगों के लिए क्योंकि देश हित लई समाज हित लई और देश नूं जोड़ के रखन दे लई असी कम कर रहे हैं और उहदे करके लोग BJP नाल जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।